हाँ जी बेटा, सो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड यंग स्टैपलक्स के बारे में। सो यंग्स डायग्राम कैसे सॉल्व की जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो रिगार्डिंग ऑल दैट स्टफ जो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी जा चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी स्पेशली, तो जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं यंग स्टैपलक्स के बारे में उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ता है। सो इट इज नॉट दैट मच इजी। सो जैसे आपके पास SU3 है, मान लीजिए आपके पास SU3 दे रखा है, SU3 में बोला जाता है कि 3 × 3 सॉल्व करके दीजिए। सो आपने क्या करना है, आपको पता है कि SU3 में एक बॉक्स का मतलब कितना होता है, 3 होता है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट बॉक्स इनटू बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, इसको सिंपल टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की जाएगी बेटा। कैसे यूज किया जाता है, इट इज जस्ट लाइक बॉक्स के आपको कॉम्बिनेशन बनाने, परमुटेशन बनानी है आपने, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या आएगा, कौन कौन सी अरेंजमेंट आएंगे। सो दिस इज लाइक दैट। सो 3 × 3 आपने इसके डायमेंशन वगैरह फाइंड आउट करने, डायमेंशन कैसे आएंगे, आप इसको n × n+1 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक आपका बुक फैक्टर क्या रहेगा, आपका होगा n × n+1 डिवाइडेड बाय इसके कितने रहेंगे 2, इसका कितना रहेगा 1, जो हुक लेंथ जो रहेगी। सो n कितना है यहाँ पे, n = 3, सो 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, सो विल बी n × n-1, सो हुक फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी n × n-1 डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। तो h के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 2 × 1 आ जाएगा। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो गया, 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2, और यू कैन सी इट इज इक्वल टू 3। तो इस डायग्राम के डायमेंशन कितने हो गए, ये हो गए 6, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके कितने हो गए, 3 हो गए। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल सा काम है कि आपने लिखना है 3 × 3 = 6+3। तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करके बताना है। तो ये सिंपल सा काम था जो आपने अभी आपने किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना सिंपल काम आपको एग्जाम में आएगा, एग्जाम में सिंपल काम कभी नहीं आते। सो उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है बेटा, आपने जैसे SU2 है, SU2 उस मिट्टी के रिगार्डिंग हमने देखा कि आपको मोस्टली आता है SU2 एंड SU3 आता है। SU2 उस मिट्टी में अगर बॉक्स है तो बॉक्स का मीनिंग कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। SU3 है तो एक बॉक्स का मीनिंग 3 रहेगा। सो अगर आपको पूछा जाता है 3 × 3 इन SU2 आप सॉल्व करके बताइए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको तो पता है कि SU2 में बॉक्स का मीनिंग क्या होगा, 2 होगा। सो इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू, इसका मतलब हो गया ये 2 × 2 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा रादर देन 3 × 3। लेकिन आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 3 × 3 आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 3 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब यंग्स डायग्राम कैसी होगी। तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा, उसके लिए पहले 2 × 2 सॉल्व करेंगे। तो आप फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन के साथ ही सॉल्व करेंगे। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। सबसे पहले इसके डायमेंशन ढूंढिए और इसके डायमेंशन ढूंढिए। तो सेम फंडा कि n × n+1 इसके साथ आएगा, 2 × 1 आ जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कितना आएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे इस डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आपके पास आएगा ए 2 है, n = 2 है, सो 2 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आपका 6 / 2, और आपके पास कितने आएंगे, आंसर आ जाएगा 3। और यू कैन से आपके पास इस डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका 2 और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, नीचे 2 × 1 है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ जाएगा। सो आपके पास क्या बचा बेटा, इस डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो 2 × 2 इट विल लीड टुवर्ड्स योर 3+1। तो ये वाला आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा फॉर द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन यंग्स डायग्राम और गिवन सिमेट्री। तो इसलिए इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो दिया गया है वो दैट इज नॉट द सिंपल केस। आपको दिया गया है 3 × 3 इन SU2। अभी हमने क्या किया बेटा, SU2 के केस में 2 × 2 को सॉल्व किया। 2 का मतलब होता है बॉक्स, बॉक्स इनटू बॉक्स जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यू विल बी हैविंग जस्ट लाइक दिस रिप्रेजेंटेशंस, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब हो गया 3। सो दिस इज 2 × 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1+3। तो इसके रिगार्डिंग आपको पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए 3 × 3। हमें जो एग्जाम में पूछा गया है SU2 में 3 × 3 सॉल्व कीजिए, तो आपको पता चल गया यहां से।
कि थ्री का मतलब एसयू टू में क्या होता है। तो एसयू टू में थ्री का मतलब होता है टू बॉक्सेस इन सिमेट्रिक कॉम्बिनेशंस। तो आपने ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, सो यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग। ठीक है जी, इसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे, मैंने आपको ये चीजें बताई हुई हैं। अगर तो एक बॉक्स से ज्यादा आपके पास आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग करेंगे तो क्या क्या आएगा आप उसको देख सकते हैं। तो इन दोनों को मिक्सअप करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो चार बॉक्स सिमेट्रिक हो गए जिसमें आप इसको ऐसे लेबल कर सकते हैं जो ये वाला बना हुआ है, या फिर ये दोनों बॉक्सेस के नीचे आ सकते हैं, ठीक, या फिर एक बॉक्स के नीचे जा सकता है, एक ऊपर आ सकता है, जो ये वाला कॉम्बिनेशन है। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग आप टिक्स को चेक कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली दे रखा है, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही आप जंक्स डायग्राम के डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब 2 × 2 आपके पास 4 होना चाहिए, एंड राइट हैंड साइड जो है 3 + 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 होना चाहिए। तो आपके पास डायमेंशन बराबर होने चाहिए। अगर ये डायमेंशन बराबर नहीं है तो आपने कोई ना कोई जंक्स डायग्राम बेटा मिक्स जो है वो ऐसा स्किप कर दिया है, तो आपको ढूंढनी पड़ेगी कौन सी डायग्राम आपने छोड़ी है, तो वाला पार्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इस डायग्राम के लिए आपको इसके डायमेंशन वगैरह स्टडी करने पड़ेंगे। डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, n × n+1, n+2, n+3 वाला केस आप यूज करोगे। हुक फैक्टर जो होता है, जो आपके पास होता है, एंड हुक लेंथ जो होती है, ये आपके डायमेंशन आ जाएंगे। तो इसके लिए हुक फैक्टर क्या आएगा, 1, 2 एंड 3, एंड इटसेल्फ कितना आ गया, 4 आ गया। इसके लिए 3 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम 2 एंड 1 आ जाएगा, एंड हुक फैक्टर जो है, हुक फैक्टर के लिए एस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे। एसयू टू है तो एसयू टू में हमारे पास क्या रहेगा, n = 2 हो जाएगा। तो इसकी सबकी वैल्यूज पुट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस डायग्राम के डायमेंशंस कितने आएंगे, 5। सो हमारे पास कितना था बेटा, 3 × 3 इन एसयू टू इट शुड बी इक्वल टू 5 प्लस समथिंग, जो हमारे पास तीन डायग्राम्स अभी हमने यूज किए हैं। तो 3 × 3 कितना हो गया बेटा, 9 होना चाहिए टोटल। अभी हमारे पास चार और बाकी है, चार डायग्राम्स और देखनी है। तो ये वाला इस डायग्राम के डायमेंशन निकालिए, राइट हैंड साइड जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे आएंगे तो माइनस होगा, डायग्राम जाएंगे तो सेम रहेगा, ठीक है जी। तो ये आपके आपके पास एंटीसीमेट्रिक है, तो इसको देख लेना एक बार। ये अगर आपके पास एसयू टू है तो ये क्या रहेगा बेटा, ये टोटली एंटीसीमेट्रिक कॉम्बिनेशन बनाएगा। मतलब एसयू टू में अगर आपके पास दो बॉक्सेस इन्हें कॉलम लाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम टोटली एंटीसीमेट्रिक। एसयू थ्री है तो उस केस में हमारे पास तीन बॉक्सेस एक एक कॉलम में आएंगे, तो उसको हम टोटली एंटीसीमेट्रिक केस बोलेंगे। इस डायग्राम के डायमेंशन हमेशा ही बन रहेंगे, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा बेटा। इसको आप आंखें बंद करके भी लिख सकते हैं कि इस डायग्राम के डायमेंशन वन आएंगे, अगर डायरेक्टली भी लिखना हो। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, हमारे पास आ गया 5 + 1 + समथिंग, तो टोटल कितना होना चाहिए, 9, और 6 मेरे पास ऑलरेडी हो गए, तो लास्ट वाले के 3 आने चाहिए। तो इसको ध्यान से देख लेते हैं, जो लास्ट वाली डायग्राम है उसको कैसे आएंगे। तो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो n+1, n+2, एंड नीचे आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस डायग्राम के डायमेंशन वगैरह फाइंड आउट कीजिए, एंड उसके हुक फैक्टर वगैरह निकालिए, वहां से आपके डायमेंशन आ जाने चाहिए। अगर आप निकालेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर बेटा 3 आ जाएगा। सो इसके डायमेंशन 3 के बराबर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको पता चल गया 3 × 3 क्या होता है, इन एसयू टू इट इज इक्वल टू 5 + 1 + 3, तो 5 × 3 = 8 और 1 = 9 हो गए। तो टोटल 9 आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो ये आपके आपने सॉल्व करके एग्जाम में लिखना है। सो दिस इज एसयू टू, एसयू टू में यंग्स डायग्राम कैसे सॉल्व की जाती है। पेपर में कैसे आएगा, फाइंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 × 3 इन एसयू 3 एंड 6 × 6 बार यूजिंग टैबलेक्स मेथड। तो 3 × 3 वाला केस मैंने एसयू 3 में आपको ऑलरेडी समझा दिया है। दूसरी बात आ जाती है कि 6 × 6 आपने एसयू 3 में कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हमारे पास क्या होता है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे एसयू 2 का केस है, एसयू 2 में आप सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास एक बॉक्स का मतलब 2 होता है। एसयू 3 में करने जाओगे तो एक बॉक्स का मतलब आपके पास 3 हो जाता है, लेकिन आपके पास 6 तो है ही नहीं। जैसे वहां पे 3 नहीं था, आपके पास यहाँ पे 6 नहीं है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल से पता चलेगा कि आपके पास 6 का मतलब आएगा कि नहीं आएगा। अगर वहां से भी नहीं आता तो कोई और मेथड आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो जैसे आपने किया कि 3 × 3
अगर आप करेंगे तो कैसे आएगा, दोनों बॉक्सेस आपस में सिमेट्रिक या डिसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सो दिस इज, इसके कॉम्बिनेशन बना के चलिए, ये आपके पास पता चल जाएगा कि आपके पास इसके डायमेंशन कितने हैं। तो फुक फैक्टर कितना आ गया, एन इंटू एन प्लस वन, इसकी लेंथ कितनी आ गई, टू इंटू वन। तो इसको आप वैल्यू वगैरह पुट कीजिए, थ्री इंटू फोर डिवाइडेड बाय टू, आपके पास कितना आ गया बेटा, इसके डायमेंशन कितने आ गए, छह के बराबर आ गए। तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि एस सी थ्री में छह का मतलब टू बॉक्सेस इन सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये वाला पार्ट आपने यूज करना है, लेकिन वहां पे लिखा क्या हुआ है, हमें किसी किसको सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व सिक्स टू सिक्स बार, तो कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व करना है, तो इसके ऊपर बार पड़ी होगी। तो बार को अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए इट विज बी गिवन बाय फॉर्मूला, कौन सा यूज करते हैं, n माइनस वन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे n कितना है, थ्री, थ्री माइनस वन, हर एक कॉलम को इंडिपेंडेंटली पकड़ना है आपने। पहले अगर आप इस कॉलम को पकड़ेंगे तो थ्री माइनस वन, वन मतलब कहाँ से आया, नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने होंगे इस कॉलम में उसमें उतने हम यूज करेंगे, थ्री माइनस नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहाँ पे एक बॉक्स है तो थ्री माइनस वन मतलब यहाँ पे टू आ जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी थ्री माइनस वन आ जाएगा, तो अल्टीमेटली टू आ जाएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम कौन सी बनेगी, तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में डायग्राम जो होगी, तो हर एक कॉलम में दो कॉलम में दो दो बॉक्सेस आ जाएंगे आपके पास, तो ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा। तो यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग, इसका मतलब रहेगा दिस इज सिक्स, दिस इज सिक्स बार, तो इसको हम सिक्स इंटू सिक्स बार कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला पार्ट आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट आप सॉल्व करके दिखाएंगे। सॉल्व करने के लिए आप कैसे करेंगे बेटा, सॉल्व करने के लिए बेटर होगा आप इसको फ्रंट ले लें, इसको साइड पे ले लें, मतलब आपने इसको फर्स्ट मैन चूज करना है, उसके बाद आपने इसको सेकंड चूज करना है। तो जो बिगर डायग्राम होगी आपने फर्स्ट चूज कर लेती है, उसके बाद इसको सिमेट्रिक है अगर, तो इसको हम ए ए लिखेंगे, अगर ऐसी डायग्राम होती तो मैं इसको ए एंड बी लिखता, ये चीज हमेशा याद रखना, इसमें ए ए नहीं लिख सकते अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, साइड पे लगा सकते हैं, या फिर क्या करेंगे इसके नीचे लगा दोगे, या फिर एक यहाँ पे लग जाएगा एक नीचे लग जाएगा, तो ये वाले कॉम्बिनेशन आप ऐसे बना के चलेंगे, ठीक है जी। तो तीन कॉम्बिनेशन आपके पास हो गए, इस डायग्राम के आप डायमेंशन निकाल के देखेंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो आपको पता चलना चाहिए, तो सिक्स इंटू सिक्स बार कितना होना चाहिए, टोटल मल्टीप्लीकेशन के बाद 36 होने चाहिए। तो तीनों डायग्राम्स के सम निकाल के हमें पता चलना चाहिए कि टोटल डायमेंशन 36 बनने चाहिए। तो पहली डायमेंशन, पहली डायग्राम जो है उसका उसका कितना आता है मेरे पास, उसको आप सॉल्व करके दे सकते हैं, तो इट इज एन एन प्लस वन एन प्लस टू एंड एन प्लस थ्री एंड एन माइनस वन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायगनल है तो ये ऐसे ही आएगा। तो हुक फैक्टर कितना आ गया बेटा, एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आ गया बेटा, इंटू एन भी आएगा इंटू एन माइनस वन भी आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक दो तीन और ये नीचे इसके चार हो गए, और एक ये कितना हो गया, पांच हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक दो तीन और ये चार हो गया, एक और दो हो गया, ये एक हो गया इसका, इसके कितने हो गए, एक और दो इटसेल्फ हो गया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही रहेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर वगैरह डाल के एन है थ्री है हमारे पास, थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू थ्री इंटू टू, आपके पास सारे के सारे आ जाने चाहिए, फाइव फोर टू वन टू वन, ये सारे के सारे आपके पास कैंसिल हो, जितना भी कैंसिल होता है आपका, ठीक है जी। तो ये आपके पास, तो एक बार ये समझा दो, बोलो ये आपने 5 4 2 1 2 1 ये वाली टर्म समझाना एक बार, एक मिनट बेटा मैं समझाता हूँ। तो मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, हमारे पास ये नीचे वाले पार्ट सारे कैंसिल हो गए, तो ये कितना बचेगा, 3 × 3 ये 27 बच गए, ठीक है, 3 × 3 × 3 ये 27 मिल गया मुझे। तो यहाँ पे मेरे पास 6 × 6 बार यहाँ पे कितना रहेगा, 27 प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना सा रहेगा, ठीक है, 27 प्लस 8 प्लस 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो ये वाली जो डायग्राम है बेटा, ये मैंने आपको बता रखा है, इसमें तीन कॉलम है, तो इसमें ऑटोमेटिकली एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, चाहे दो कॉलम है तीन कॉलम है डज नॉट मैटर, अगर आपके डायग्राम में तीन कॉलम है तो अल्टीमेटली आपके पास ये वाला, अगर आपके पास ऐसा भी अरेंजमेंट होता तो भी ये वाला पार्ट आपके पास सामने आ जाता कि इसके डायमेंशन वन ही रहेंगे। तो बाकी जो पार्ट है इसको आप चेक कर लेना, इसके आठ आने चाहिए। बाकी बचा कि इस डायग्राम को सॉल्व कैसे किया मैंने वो मैं बता देता हूँ बेटा। तो देखिए आपके पास डायग्राम ऐसी बनी हुई है, इसमें आपने क्या किया था, दो बॉक्सेस ऐड किए थे। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको असाइन करेंगे, दिस इज एन प्लस वन, दिस इज एन प्लस टू, दिस इज एन प्लस थ्री, समथिंग लाइक दिस। नीचे जाओगे तो माइनस आ जाएगा,
डायगोनल जाओगे तो सेम रहेगा। तो हुक फैक्टर कैसे निकाला बेटा, हुक फैक्टर सम को अपने कर दिया मल्टीप्लाई सीधा सीधा। बाकी बचा हुक लेंथ वाला काम। हुक लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब बॉक्सेस को साइमल्टेनियसली कंसिडर करना पड़ेगा, जितने भी आगे हैं जितने भी नीचे हैं एंड द बॉक्स इटसेल्फ, नीचे बची हुक लेंथ। तो अब हम इसको निकालते हैं, सबसे पहले डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, हॉच पॉच ना हो, मिक्सअप ना हो। ये वाली डायग्राम है, इस बॉक्स को कंसिडर कीजिए, इसके आगे कितने हैं एक दो तीन, नीचे कितने हैं एक, तो ये चार हो गए, और पांचवा कौन सा हो गया ये वाला। तो इसके डायमेंशन कितने हो गए, इसके हुक फैक्टर कितना हो गया फर्स्ट बॉक्स का, इसके पांच हो गए बेटा। ठीक है जी, तो अब मैं इनको रेज कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको डायग्राम को मैं रेज कर दिया। दूसरे बॉक्स की बात करते हैं, इस बॉक्स की बात करते हैं, इसके आगे कितने हैं वन टू, इसके नीचे कितने हैं एक है थ्री हो गया, और ये बॉक्स इटसेल्फ, तो इसके कितने बन गए बेटा चार हो गए, तो इसका हुक फैक्टर आ गया चार। ठीक है जी, सिमिलरली बाकी दूसरे के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, इसके आगे कितने हैं एक, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इटसेल्फ काउंट करेंगे दो आएगा। ठीक है जी, और इसके आगे कितने हैं कोई भी नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है, तो इटसेल्फ एक बचेगा। इस बॉक्स के आगे कितने हैं एक, नीचे कितने हैं कुछ भी नहीं है, तो इटसेल्फ कितना बचेगा दो बचेगा बेटा। इसके आगे कितने हैं कुछ भी नहीं है, नीचे कितने हैं कुछ भी नहीं है, तो अल्टीमेटली ये वन बचेगा। मतलब आपने कौन सा काउंट करना है, जितने आगे बॉक्सेस हैं, जितने उसके नीचे बॉक्सेस हैं एंड दी बॉक्स इटसेल्फ, तो उतने आपने आपका फैक्टर हो जाएगा, हुक लेंथ हो जाएगी। तो टोटली आपके पास लेंथ कितनी होगी, आप इसमें वैल्यू वगैरह पुट कीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास थ्री थ्री है, थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू टू इंटू थ्री, ये सारे का सारा वैल्यूज हमने डाल दी, एन इज इक्वल टू थ्री पुट किया, इट विल टर्न आउट टू बी फाइव फोर, सबको सबके हुक फैक्टर आपने मल्टीप्लाई कर देने यहाँ पे इंटू टू इंटू वन, तो ये सारे के सारे फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए, इनको आपस में काट दीजिए, क्या आता है क्या नहीं आता वो हम देख लेंगे इसमें। सो फोर टू टू या फोर इंटू टू थ्री या सिक्स, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसमें देख सकते हैं टू इंटू टू इंटू फोर, ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 27 आपके पास यहाँ पे बचेंगे। तो ऐसे डायग्राम्स को आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, फाइंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री इंटू थ्री इन एसयू टू, मतलब थ्री इंटू थ्री की एसयू टू में रिप्रेजेंटेशन ढूंढनी है, वो वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है, हमने पता हमें पता है कि एसयू थ्री एसयू टू में थ्री का मतलब ये होता है। ठीक है, एंड टू इंटू टू बार इन एसयू टू, जो एसयू टू होती है वो सेल्फ कंजुगेट होती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, टू के ऊपर बार डालो ना डालो सेम रहेगा बेटा, टू इंटू टू बार इन एसयू टू। ठीक है जी, ये टू हो गया बेटा, टू बार डालेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी एन माइनस वन। ठीक है जी, उसके बाद आपको डाल के देख लेना बेटा कितना है, तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आएगा एन माइनस वन करोगे तो बॉक्स कितने बचे बेटा बचे, तो अल्टीमेटली क्या बना This is same. So self conjugate रहती है, लेकिन SU3 self conjugate नहीं है, मतलब वहां पे बार पड़ी होगी तो उसका corresponding जो direct है और जो conjugate है दोनों different हो जाएंगे। अगर SU3 होता है यहाँ पे तो 3 minus 1 हो जाता, 2 boxes हो जाते हैं, लेकिन जो SU2 है वहां पे self conjugation की वजह से बार डालो चाहे ना डालो सेम रह जाएगा। So 2 into 2 bar it will be equivalent to 2 into 2। ठीक है जी, तो दोनों बॉक्सेस को आप एडअप करोगे तो क्या होगा, दोनों बॉक्सेस या तो सिमेट्रिक बनाएंगे या एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन देंगे, तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन वाला फैक्टर बनेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो इसके यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फैक्टर कितना हो गया, हुक लेंथ की कितनी हो गई, पहले की दो नहीं दूसरे वाले की एक हो गई, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिख लीजिए, टू है n इज इक्वल टू टू है, तो टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाय टू, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, इट विल बी थ्री। ठीक है जी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग SU2 है, तो यहाँ पे दो बॉक्सेस ऑलरेडी दे रखे हैं, तो डायमेंशन कितने हो गए वन, सो टू इंटू टू बार इट इज इक्वल टू थ्री प्लस वन के बराबर आपके पास यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये ऐसी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सो थ्री इंटू थ्री बार इन SU3, SU3 के केस में थ्री इंटू थ्री बार निकालना है, वहां पे आपको पता है सेल्फ कंजुगेट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, एक बॉक्स का मतलब तो आपको पता है, लेकिन बॉक्स के ऊपर बार डाल गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है जी, तो n माइनस वन वाला फैक्टर आपको पता होना चाहिए, तो थ्री के n माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन आ जाएगा, तो अल्टीमेटली टू आ जाएगा, तो दो कॉलम इसमें आएंगे।
तो बॉक्स इनटू टू बॉक्सेस, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको हम ए मान लेते हैं, ये हमारे पास बिगर डायमेंशन बिगर रिप्रेजेंटेशन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको ऐसा ट्रैक्टर यूज करेंगे, इसको हम इंप्लीमेंट करवाएंगे, तो या तो ये साइड में अटैच होगी या फिर नीचे अटैच होगी, और कोई कॉम्बिनेशन आपका नहीं चलेगा। इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, आप ऐसा डायमेंशन नहीं यूज कर सकते, तो ऐसे नहीं चलेगा ये, आपको ऊपर ही लगाना पड़ेगा, नीचे वाली स्पेस खाली हो सकती है, ऊपर वाली नहीं, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लेना बेटा कितना आता है कितना नहीं। सो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, सो इट इज 3 × 3 बार, इट विल बी इक्वल टू 8+1। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास 3 × 3 वाला कॉम्बिनेशन है, इट विल टर्न आउट टू बी 6+3। तो ये वाला पार्ट आप ऐसे 3 में देख सकते हैं, आपको 50 बार ये चीजें देखने के लिए मिली। ठीक है, तो सिमिलरली हाँ SU6 वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं बेटा, SU6 मतलब क्या होता है, एक बॉक्स का मतलब 6 होगा, तो 6 × 6 × 6 मतलब यहाँ पे टोटल डायमेंशन कितने होने चाहिए, 216, मतलब 216 पार्टिकल आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। 216 को एडजस्ट कैसे करोगे, सिमेट्री को ग्रुप कैसे बनाओगे, तो 6 का मतलब बॉक्स, दूसरे 6 का मतलब बॉक्स, पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद तीसरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले 6 × 6 ढूंढिए, उसको मैं एडअप करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास सेम फंडे जो SU3 में लगाए, सेम चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी आपके पास। तो इसको ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएंगे। तो इट विल बी n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, उसके 2 × 1 आ जाएगा, बिकॉज हुक फैक्टर जो है, हुक लेंथ जो है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे n × n-1 वाला फैक्टर आएगा, डिवाइडेड बाय 2 × 1 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके देसी देखिए, तो 21 + 15 यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। तो पहले वाले के 21 है, उस दूसरे वाले के 15 आएंगे, तो 6 × 6 = 21 + 15 आ जाएगा। तो 6 × 6 कितना होता है, 36 होता है, 21 + 15 कितना होता है, इट इज ऑल्सो 36। उसके बाद ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं, जो 6 × 6 वाला पार्ट हम कर चुके हैं, लेकिन जो थर्ड वाला पार्ट है वो वाला पार्ट अभी हमने करना है। तो ये वाला जब पार्ट इंप्लीमेंट करोगे, तो इसको हम सी लिख लेते हैं, या तो ये इसके साथ लगेगा या फिर इसके साथ लगेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर ए इसके आगे लगेगा या इसके नीचे लगेगा, दो ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, या इसके साथ में लगेगा या इसके नीचे लगेगा, ओनली 2 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो सबके डायमेंशन वगैरह फाइंड आउट कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पता चलेगा कितना होगा 6 × 6 × 6 इन SU6, इट विल बी इक्वल टू 56 + 70 + 70 + 20 के बराबर आपके पास यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो ये वाला रिलेशन जो है हम डायरेक्टली वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। जो 56 है वो सारे के जितने भी आपके सिमेट्री ग्रुप्स है, सारे के सारे 56 को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, याद रखना, जितने भी आपके डेकुपल हेड है, ऑक्टेट वगैरह है, वो सारे के सारे यहीं पे आ जाते हैं, जितने भी बेरियंस है सारे 56 को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। सो एक्सरसाइज आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 3 × 3 × 3 इन SU2 आप यहाँ पे सॉल्व करके देखना, अगर कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर इज क्लोज। ठीक है, तो जितने भी न्यूमेरिकल थे आज तक जो पेपर में आ चुके हैं फ्रॉडी केस ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी स्पेशली, तो मैं सारे के सारे डिस्कस कर दिए ऑलरेडी, अगर कोई डाउट होता है फिर भी है तो मेरे से बात कर सकते हैं।